और अब बात मिलावट के महाजाल की करेंगे। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। टीवी स्क्रीन पर आपको इससे जुड़ी दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झुंझुनू शहर की है, जहां गुदड़ी बाजार के किराना स्टोर पर 20 किलो से ज्यादा एक्सपायर्ड घी मिला है, जिसे नष्ट करवाया गया है। तो दूसरी तस्वीर जयपुर के बस्सी की, जहां खाद्य विभाग की टीम ने 3200 किलो वेजिटेबल सॉस नष्ट कर दिया। तो लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान जारी है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और मिलावटी खाद्य सामग्रियों को नष्ट किया जा रहा है। झुंझुनू और जयपुर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां पर खाद्य विभाग की ओर से एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई। तो झुंझुनू के पिलानी के रिको एरिया में स्थित जेपी डाडा ऑयल मिल पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां से एफएसओ महेंद्र चतुर्वेदी ने न केवल सरसों के तेल के नमूने लिए हैं, बल्कि मौके पर मिले 1 किलो, 5 किलो और 15 किलो की पैकिंग में 1751 लीटर सरसों का तेल भी सीज कर दिया। कार्रवाई के बाद पिलानी के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि जेपी डाडा ऑयल मिल के जे ब्रांड का सरसों का तेल मानकों पर खरा नहीं उतर सका। जांच की थी, सैंपल्स उठाए थे, उसमें जे ब्रांड के नाम से इनके जो स्टिकर्स हैं वो हमें वहाँ पे मिले थे। और चूँकि यहाँ से हरियाणा में भी ऑयल की सप्लाई होती है, तो आज जेपी डाडा इंडस्ट्रीज़ के यहाँ पर तेल के नमूने लेते हुए, कि जो कि अलग अलग पैकेजिंग में थे, 1 लीटर से लेकर के और 15 लीटर तक की पैकेजिंग थी, उन सभी में एक ही तरह का तेल था, तो उसका नमूना लिया गया, प्लस 1751 लीटर तेल को हमने सीज किया। खबर जयपुर से है, जहां पर बस्सी में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान जारी है। इसी के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रिद्धि सिद्धि इंडस्ट्रीज के कारखाने पर छापा मारा। इस दौरान टीम को कारखाने से 3200 किलो घटिया गुणवत्ता के वेजिटेबल सॉस मिले, जिसे नष्ट कराया गया। ये सॉस कद्दू के पल्प से तैयार किया गया था। इसमें घटिया और अखाद्य रंग मिलाकर सॉस को तैयार किया गया। फैक्ट्री में साफ सफाई की स्थिति भी ठीक नहीं पाई गई और इसके साथ ही मौके पर ना तो फूड लाइसेंस पाया गया, न ही किसी कर्मी का मेडिकल फिटनेस, ना ही पानी की जांच रिपोर्ट पाई गई। इस पर टीम ने नमूने लेकर लैब भिजवा दिए हैं।